आयुर्वेद में सारी बीमारियों को सिर्फ तीन दोषों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो वे इन तीन दोषों के अंदर ही आती है। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो हर बीमारी को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स निकलना। क्या आपको पता है कि आज के समय में चेहरे पर पिंपल्स निकलने पर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है? लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिंपल्स के पीछे का कारण क्या होता है? आपको हमेशा आजकल डॉक्टर यही कहेगा कि आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स का कारण है आपके हार्मोनल चेंजेस। अब आप मुझे बताइए, क्या हार्मोनल चेंजेस सिर्फ आप में ही आए हैं? हार्मोनल चेंजेस तो हर इंसान में आते हैं, तो हर इंसान के चेहरे पर पिंपल्स क्यों नहीं निकलते? दरअसल दोस्तों, पिंपल्स निकलने का कारण हार्मोनल चेंजेस नहीं, हमारे पेट की गड़बड़ी होता है। अगर आपके पेट में गड़बड़ है यानी कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन है तो आपका खून खराब हो जाता है। खून गंदा होने की वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। और आज की मेडिकल साइंस में इसका इलाज कैसे किया जाता है? लेजर ट्रीटमेंट से, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि बीमारियां सिर्फ तीन दोषों के अंदर ही आती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आपकी बॉडी में इन तीनों में से ही कोई दोष है। अगर आपके घुटने दर्द करते हैं, अगर आपको मोटापा आ चुका है, डायबिटीज है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो सारी बीमारियां इन तीन दोषों के अंदर ही आती हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि इन तीन दोषों को बैलेंस करने के लिए हमारे घर की किचन में हर चीज अवेलेबल है? दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, इन दो चीजों के जरिए आप वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि डायबिटीज होती क्यों है? कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद डायबिटीज मीठा खाने की वजह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज पित्त दोष के कारण होती है। पित्त दोष क्या है, इसे आसानी से समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वात, पित्त और कफ को समझ ही नहीं पाते। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ पित्त दोष क्या है। दरअसल पित्त दोष को आप एसिडिटी कह सकते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ी हुई है, एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब पित्त दोष बढ़ने से आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, थायराइड की ग्रंथि थायराइड के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। और जब आपकी बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ती है, पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, तो इससे आपको हार्मोनल चेंजेस की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड। जब आपकी बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो इसे ये पता चलता है डायबिटीज का कारण आपका खाया हुआ मीठा नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ एसिड है। आप हमेशा देखिए, जिन लोगों की बॉडी में एसिड बढ़ता है उनमें से ज्यादातर लोगों को डायबिटीज होगी। चाहे ये कह लीजिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, जाहिर है उनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त बढ़ने का अगर आप और अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो ये समझिए कि अगर आपको बाथरूम पीला आता है, या आपकी स्किन पर आपको ज्यादा खुजली महसूस होती है, या फिर आपको पसीना ज्यादा आता है, या आपकी बॉडी से बदबू आती है, तो ये सारे कारण है कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब पित्त दोष के अलावा बात करते हैं वात दोष की। इसे बहुत आसानी से समझते हैं। वात दोष का मतलब है वायु यानी हवा। पेट में अगर आपकी गैस है तो आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। अब पेट में गैस बढ़ने से क्या होगा? पेट में गैस बढ़ जाने से ये गैस हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिससे आपकी बॉडी में पेन हो सकता है। बात करते हैं तीसरे दोष की, जो कि है कफ दोष। अब कफ दोष क्या है? कफ दोष है आपकी सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स कफ दोष में आती हैं। अब वात, पित्त और कफ तो आप समझ गए, इनको बैलेंस कैसे करें? इनको बैलेंस करने के लिए हमारे घर की किचन में दो चीजें हैं, चूना और दालचीनी। चूना अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे पान की दुकान से आसानी से ला सकते हैं। एक या दो रुपए में आपको चूना मिल जाएगा और वो चूना आपका 15 से 20 दिन चल जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री में आपकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आपको चूना किस तरह से लेना है और दालचीनी को किस तरह से लेना है। दालचीनी को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों दालचीनी एक औषधि है, जिसे औषधि के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं, चूना कौन से दोष को बैलेंस करेगा और चूने का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों चूना वात दोष का दुश्मन है, यानी कि चूना आपकी बॉडी से गैस को खत्म करता है। वैसे अगर चूने की बात करें तो चूना प्योर कैल्शियम है, आपकी बॉडी में ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सप्लीमेंट्स ले रहा है कैल्शियम की पूर्ति के लिए, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको चूना लेना चाहिए, क्योंकि चूना प्राकृतिक कैल्शियम है, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, दांतों को मजबूत करेगा, आपकी बॉडी में से कैल्शियम की कमी दूर कर देगा। जिसकी एज 50 साल से ऊपर है उसको तो 100% चूने का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना कम कर देती है। तो ऐसे में आपके लिए ज्यादा कैल्शियम खाना जरूरी है, तो आप चूने का सेवन जरूर करें। अब चूने का सेवन किस तरह से करें? सिर्फ 1 ग्राम चूना एक व्यक्ति के लिए एक दिन में सफिशियंट है। 1 ग्राम चूना यानी कि एक गेहूं के दाने के बराबर।
बराबर। 1 ग्राम चूना आपको या दाल में या दही में या फिर पानी में मिलाकर पीना है। दिन में आप किसी भी समय ये चूना ले सकते हैं। अगर आप चूने का सेवन हर रोज कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी में से वात दोष खत्म हो जाएगा। अब वात दोष के कारण जैसे आपकी बॉडी में दर्द होता है तो सब तरह के दर्द गायब हो जाएंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में कहीं भी सूजन है, पेन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चूना खाना है। चूना खाने से आपका गठिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी से पेन गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चूने का सेवन कर रहे हैं तो आपके दांतों का दर्द ठीक होगा, दांत मजबूत होंगे। और अगर आपके दांतों के बीच में सेंसिटिविटी की आपको प्रॉब्लम आती है या फिर गर्म या फिर ठंडा लगता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां तक कि चूना हमारे दिमाग को भी तेज करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। छोटे बच्चों को चूना आप जरूर खिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को चूना खिलाने से उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी इम्यूनिटी तेज होती है। अब अगर आप में से किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट्स की कमी है, तो आपको जरूर चूने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट डबल हो जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को चूना जरूर खिलाएं, क्योंकि चूना एक अद्भुत तरीके से काम करता है। इससे उनको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है और बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दालचीनी को हमारे बताए हुए तरीके से ही इस्तेमाल करना है। दालचीनी को आपको 1/4 चम्मच अपने हाथ पर रखना है, ऊपर से 1 चम्मच शहद का उसके ऊपर डाल देना है। अब अपनी अंगुली से 5 मिनट के लिए इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप इसे अपनी उंगली से मिक्स करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से ये आपके लिए काम करेगा। अब 5 से 10 मिनट के बाद आपको इसे अपनी जीभ से चाटना है। इस तरह से अगर आप दालचीनी और शहद का सेवन करते हैं तो आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ ठीक हो सकते हैं। और वात, पित्त और कफ को ठीक करने के लिए दालचीनी को लेने का समय अलग अलग है। अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी और शहद का सेवन रात को करना है। अगर आपकी बॉडी में वात या फिर कफ बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी और शहद का सेवन सुबह के समय खाली पेट करना है। अब अगर आप दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ सुबह के समय खाली पेट लेते हैं तो इससे आपका वात दोष और कफ दोष दूर होगा। अब इससे कौन सी बीमारियां दूर होंगी? सबसे पहले नंबर पर है मोटापा। अगर आपको मोटापा आ चुका है तो दालचीनी और शहद आपके मोटापे को कम कर सकता है। 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। अब अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द है तो आप दालचीनी और शहद का सेवन करें। 1 महीने में आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपके पेट में अगर गैस बनती है, आपके पेट में अगर अफारा रहता है तो इसके लिए भी आप दालचीनी और शहद का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए दालचीनी और शहद बहुत ही अच्छा है। अक्सर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर ही सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हर समय कफ रहता है, तो इसके लिए आप दालचीनी का सेवन करें, आपको काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पित्त दोष को कैसे दूर करें। अब अगर आप पित्त दोष को बैलेंस करना चाहते हैं तो दालचीनी और शहद का सेवन रात को सोने से आधा घंटा पहले करें। इस तरह से अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम दूर होगी, वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। अब अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपके गले में आपको तीखा महसूस होता रहता है, या फिर आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में आपको ज्यादा गर्मी आती है, तो आपके लिए ये दालचीनी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा दालचीनी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। डायबिटीज के लिए आपको दालचीनी को रात को सोने से पहले लेना है। इसके लिए आप दालचीनी में 1 चम्मच शहद नहीं, 1/4 चम्मच शहद का मिलाएं। कम से कम शहद मिलाएं ताकि आपकी दालचीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद आपको दालचीनी का सेवन करना है और आपकी डायबिटीज 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। थायराइड की बीमारी में भी ये दालचीनी बहुत अच्छी रहती है। हाइपो और हाइपर दोनों तरह के थायराइड को ठीक करने के लिए दालचीनी और शहद का मिश्रण बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चूना और दालचीनी का सही ढंग से सेवन करते हैं तो आप अपनी बॉडी की ऑलमोस्ट हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने जाना कि वात, पित्त और कफ क्या है और वात, पित्त और कफ को चूना और दालचीनी के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को मदद मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है, आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप में या फेसबुक के पेज पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।